डोनाल्ड लू था जिसने पहली दफा इम्पोर्टेड मुसलत किया था, अब ये डोनाल्ड ब्लूम है डोनाल्ड, लेकिन दोनों का अशर वो होना है पाकिस्तान के वोटर्स के हाथों जो इस वक्त सारी दुनिया में मैकडोनाल्ड का। जिस तरह आप देख रहे हैं सारे अमल को, मेरे साथ तो उनकी हुई बाजियाबी का केस करना था, वो मेरे साथ इन टच रहे, मैं कोई और कमेंट नहीं कर सकता अनलेस दे कम अगेन, मैं उनसे मिलूं उनकी फैमिली से तो मैं कोई कमेंट कर सकता हूं, लेकिन मैं दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूं। पहली बात यह है कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में छोटे भाई को पहले इम्पोर्टेड वजीर आजम के तौर पर बिठाया गया, अब नवाज शरीफ डबल इम्पोर्टेड है। उसका सबूत अब अमेरिकन एम्बेसी के दो बयान हैं वो ले लें, उन्होंने जो नवाज शरीफ का नाम जहाँ लिखा है कि हमने मुलाकात की है, उसमें जो अम्बेसडर है जो डोनाल्ड लू था जिसने पहली दफा इम्पोर्टेड मुसलत किया था, अब ये डोनाल्ड ब्लूम है डोनाल्ड, लेकिन दोनों का अशर वो होना है पाकिस्तान के वोटर्स के हाथों जो इस वक्त सारी दुनिया में मैकडोनाल्ड का उनकी कुकड़ी कोई नहीं खा रहा, इनकी कुकड़ी भी नहीं बिकनी यहाँ पे। तो ये जो लेके आए हैं अब ये नवाज शरीफ है, ये डबल इम्पोर्टेड है। उन्होंने नवाज शरीफ के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको पता है जब किसी मुल्क दूसरे मुल्क के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं स्टेटमेंट्स, स्टेट्समैन से हमारी बात हुई और ये स्टेटमेंट आ गई हमारी, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल एक्टर से मिले, ये लफ्ज है उसके, आप जरा देखें तो सही कि सियासी अदाकार से जिसको हम उर्दू में कहते हैं शोभदाबाज और जिसको हम कहते हैं पंजाबी में कहते हैं मदारी और पटवारी कहने जो मैं समझ गए सियाने हो, इसलिए पहली दफा ये हुआ था भाई आया था इम्पोर्टेड, अब ये इम्पोर्टेड डबल इम्पोर्टेड हो गया। दूसरी बात जो उन्होंने किया वो उन्होंने ये किया, ये जो पीएमएलएन का ऑफिशियल ऑर्ग है उसने लगाई है ये स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हमें अम्बेसडर ने कहा कि मैं पाकिस्तानियों से वोट मांगता हूं कि नवाज शरीफ को और नून लीग को दोबारा वोट दें। ये इसकी जो नवाज शरीफ की जो इंतखाबी मुहिम है वो पेंटागन में चल रही है, वो उसकी वॉशिंगटन में चल रही है और वो उसकी चल रही है न्यूयॉर्क में और व्हाइट हाउस में चल रही है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका में चल रही है, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर चल रही है। मैं चैलेंज करता हूं, मैंने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया, कभी किसी को चैलेंज नहीं किया। नवाज शरीफ सिक्योरिटी के बगैर आए मेरे साथ, आप पारा में पान खाते हैं या मैं चला जाता हूं लाहौर, वो बाहर निकल के लोगों को मैं दिखा दे। उनकी पार्टी का कोई मुस्तकबिल, पीडीएम जिन्होंने जो मजालिम किए हैं लोगों के साथ, लोग तैयार बैठे हुए हैं 8 फरवरी का दिन बदला लेंगे, महंगाई का बदला लेंगे, वो गैस बम का बदला लेंगे, वो पेट्रोल का बदला लेंगे, जो लोग उठाए गए बदला लेंगे, जो लोग रुलाए गए जिनकी माओ बहनों के ऊपर हाथ डाले गए, सारा बदला वो लोग लेंगे, इस तरह से जमहूरियत में जिस तरह लिखा हुआ है पर्ची के जरिए से। इसलिए बाकी जितने भी वो समझते हैं कि हम यकतरफा कोई इलेक्शन करा लेंगे, जब इलेक्शन वाले दिन लोग जाएंगे वोट डालने के लिए, किसी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता सर। लोगों ने वोट डालना है, एक ही जगह वोट डालना है, उसका इंतखाबी निशान बल्ला हो या खंभा हो। सर पीटीआई क्या समझती है, ये आइंदा आने वाले इंतखाबात शफाफ होंगे, क्योंकि सदर जरदारी तो कह रहे हैं कि ये इंतखाबात जो होने जा रहे हैं ये तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात है। आर यू सीरियस? या कल उनका बयान है। अच्छा अच्छा चले, उनका बयान वही दे सकते हैं जो आपको नजर आ रहा है। मुझे ये बताएं, तीन सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। सियासी जमातें सारी इस वक्त मैदान में निकली हुई है ना, बोलो ना यार। यस यस, एक को निकलने की इजाजत नहीं है ना, यस है ना, तो क्यों नहीं है, डरते हैं। लेकिन सर केपीके में तो वहां बहुत ज्यादा निकल आई है, मनोज साहब ने मैदान निकाल लिया, उस दिन उसने 20-25 हजार का उसने चरसद्दा में जलसा किया। नहीं वो एक नहीं हुआ, चारसदा में हुआ है, मर्दान में हुआ है, नौशहरा में हुआ है, सवाबी में हुआ है, वो नुक्ता आगाज है, पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, डोंट बी वरी। और इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है कि वो तारीख बनाते हैं या अपना जुग्राफिया बिगाड़ते हैं। सर वन लास्ट लाइन ये बता दें कि साइफ केस में क्या देख रहे हैं, इमरान खान को कोई रिलीफ मिलती हुई नजर आ रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम भी मौजूद। साइफर केस है क्या? साइफर केस ये है कि एक इम्पोर्टेड रिजीम मुसलत की गई थी पाकिस्तान के ऊपर और उस इम्पोर्टेड रिजीम के बारे में इमरान खान ने लोगों को बताया कि तुम्हारे मुल्क में मुदाखलत हुई, फिर मुदाखलत हो गई है ना, साइफर तो कंफर्म कर दिया कल डोनाल्ड ब्लूम ने,
उसने कहा है नवाज शरीफ को वोट दो, उसने कहा है मैं नून लीग की कंपेन स्टार्ट करता हूँ। और मैं नवाज शरीफ को, पहले छोटा भाई इम्पोर्टेड था, इम्पोर्टेड डबल करके उसको मैं ला रहा हूँ, वो तो कन्फर्म होगी। अगर साइफर क्या और बाकी केस क्या इमरान खान को, अब आप जरा अंदाजा लगाइएगा, एक ही जेल है उसके अंदर एक केस चलता है, एक ही जेल है जिसके अंदर रिमांड होता है, ये कभी हुआ है? एक ही जेल है जिसके अंदर तफ्तीश होती है, एक ही जेल है जिसके अंदर पेशी होती है, एक ही जेल है जिसमें नैब है, एक ही जेल है जिसमें FIA है, एक ही जेल है जिसमें दहशत गर्दी की अदालत है। कख नहीं कर सकेंगे सर। कहा जा रहे वकला को टिकट देंगे खान साहब, आप कहां से सर इलेक्शन लड़ रहे हैं? जहां से टिकट देंगे तो टीम भी सर तैयार कर रहे हैं कोई साथ अपने? मैंने इश्यूज पे बात कर लिया, नॉन इश्यूज पे गुफ्तगू नहीं करता। वो जिसको टिकट मिलेंगे वो सारे लड़ेंगे इंशाल्लाह।